वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी पिछले क्लासेस से हमने स्टार्ट किया है अपना लेसन नंबर 8, जिसका नाम है अवर क्लॉथ्स। यानी कि क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है? कपड़े। क्लॉथ्स का मीनिंग क्या होता है? कपड़े। तो देखो, हम क्लॉथ्स कौन से हिसाब से पहनते हैं? तो पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि अपने जो क्लॉथ्स होते हैं, हम कपड़े वेदर के हिसाब से पहनते हैं। तो वेदर यानी कि समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? जो कपड़े हमें थोड़ा सा कूल रखते हैं। उसके बाद विंटर में हम थोड़े से हॉट कपड़े यूज करते हैं, एंड रेनी सीजन में हम ऐसे कपड़े यूज करते हैं जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करे। ओके, तो अभी हम इस क्लास में देखते हैं ऑन स्पेशल ओकेजन, यानी कि हम ओकेजन के हिसाब से कैसे कपड़े पहनते हैं। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 31 निकालना। चलो अपने ईवीएस सब्जेक्ट का पेज नंबर 31 निकालो। ओके, तो देखो, वी वियर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजंस लाइक फेस्टिवल एंड बर्थडे पार्टीज। यानी कि हमें कभी भी कहीं भी किसी भी क्या स्पेशल ओकेजन में जाना है, जैसे कि किसी की बर्थडे पार्टी में या फिर किसी की शादी में, तो हम क्या करते हैं कि हम नए नए एंड कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक पिक दिया है। ओके, देखो यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन से, बहुत से मैंस वुमन्स, तो ये सब जो पीपल से वो नए नए एंड कलरफुल कपड़े पहन के है ना, कलरफुल क्लॉथ पहन के वो, क्यों? क्योंकि वो पार्टी में गए। कहाँ पे? पार्टी। ओके, अभी आगे ध्यान। यूनिफॉर्म, देखो पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर यूनिफॉर्म। ऐसे पीपल्स जो एक स्पेशल जॉब पे होते हैं, तो उनका एक स्पेशल यूनिफॉर्म होता है। चिल्ड्रन आल्सो वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल। बच्चे भी यूनिफॉर्म पहनते हैं जब वो स्कूल में जाते हैं। तो जब आप स्कूल में आते हो तो आप भी यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना। तो देखो यहाँ पे कुछ पिक्स है, जैसे कि फर्स्ट वाली पिक है नर्स, वो अपना यूनिफॉर्म पहन के है। उसके बाद है पुलिसमैन, उनका भी एक यूनिफॉर्म होता है। डॉक्टर का भी यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद है एयर होस्टेस एंड पायलट। यानी कि क्या है कि उस इंसान के, मतलब उस पीपल के यूनिफॉर्म को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये मतलब ये इंसान, यानी कि ये मैन या फिर ये वुमन किस जॉब पे है, पहचान दे रहा। जैसे कि कोई डॉक्टर का यूनिफॉर्म है, किसी पुलिस मैन का यूनिफॉर्म है, किसी नर्स का यूनिफॉर्म है या फिर पायलट का यूनिफॉर्म है, तो उसके यूनिफॉर्म को देख के हम पहचानते हैं। जैसे कि देखो, स्कूल के हिसाब से भी अलग अलग स्कूल का अलग अलग कलर का यूनिफॉर्म होता है ना। तो हम उसके यूनिफॉर्म को देख के पहचान जाते हैं कि ये किस स्कूल का बच्चा है, यानी कि किस स्कूल का स्टूडेंट है, पहचानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म से उसके स्पेशल जॉब की क्या होती है? पहचान होती है। समझ में आया आपको? आगे देखो, टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स। तो हमें क्लॉथ्स को कैसे संभाल के रखना है अच्छे से? देखो, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर क्लॉथ्स। हमें अपने कपड़ों की बिल्कुल अच्छे से केयर करनी चाहिए, यानी कि अपने जो कपड़े होते हैं वो हमें अच्छे से रखने चाहिए। देखो सेकंड वाला क्या है, वी शुड वॉश एंड आयरन अवर क्लॉथ्स रेगुलरली। अपने जो क्लॉथ्स होते हैं, जो हम यूज करते हैं डेली, तो ये जो क्लॉथ्स होते हैं उनको हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए और उनको अच्छे से प्रेस करके, आयरन यानी क्या हुआ, अच्छे से प्रेस करके एक जगह पे रखनी चाहिए। आगे देखो, वी शुड नॉट प्ले एट डर्टी प्लेसेस। हमें कहीं भी ऐसी गंदी जगह पे नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि मतलब जहाँ से अपने क्लॉथ्स पे क्या हो कि कोई वायरस या फिर कोई जंतु या फिर क्या बोलते हैं कि कोई मर, ओके, वो अपने कपड़ों में लगे। इसलिए हमें अपने कपड़ों का ध्यान कैसे रखना है कि हमें किसी गंदी जगह पे खेलना भी नहीं, ओके, जिससे कि अपने कपड़े मैले हो। तो हमें अपने कपड़े मैले करने हैं क्या? नो। आगे देखो, वी शुड कीप आवर क्लॉथ्स इन अ कबर्ड। तो हमें अपने कपड़े अच्छे से धोना है, अच्छे से प्रेस करना है और उन्हें अच्छे से फोल्ड करके अपने कबर्ड में डाल के
ओके आगे देखो वी शुड कीप आवर क्लॉथ्स अवे फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रैट्स तो अपने जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ पे कोई इंसेक्ट भी ना हो एंड कोई रैट्स भी ना हो यानी कि हमें अपने कपड़े ऐसी जगह पे रखने हैं कि जहाँ पे कोई जंतु कीड़े ना हो उसके साथ साथ चूहे भी ना हो पता है आपको चूहे भी कपड़ों को खराब करते हैं यानी कि वो काटते हैं चूहे उतरते हैं ना कपड़ों को इसीलिए हमें अपने कपड़ों का चूहों से एंड इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है ओके यानी कि हम अपने क्लॉथ इंसेक्ट से यानी कि कीड़ों से और चूहों से दूर रखना चाहिए है ना तो इतना आपको समझ में आया आज की क्लास में हमने क्या देखा ओकेजन के हिसाब से कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं उसके बाद देखा कि किस किस यानी कि कौन से पीपल्स के यूनिफॉर्म होते हैं उसके बाद हमने देखा कि हम अपने क्लॉथ्स की कैसे केयर कर सकते हैं यानी कि हमें अपने क्लॉथ्स कैसे अच्छे से रखने चाहिए ओके बेटा तो ये जो भी हमने यानी कि जितना भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया तो यही पे इस लेसन की मतलब ये जो लेसन है यही पे ये खत्म होता है यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक ही थी तो यही पे ये लेसन खत्म हुआ तो अगली क्लास में हम देखेंगे इसकी रिवीजन ओके तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स तो उसके पहले आपको क्या करना है जो ये लेसन है लेसन नंबर 8 जो हमने पिछले क्लासेस से स्टार्ट किया तो ये जो टोटल लेसन है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है बाकी हम इसके एक्सरसाइज एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स अगले क्लासेस में देखेंगे